लखीमपुर खीरी में किसानों और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हुए बवाल के बाद कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी के साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लखीमपुर खीरी जाने से रोके जाने पर आजमगढ़ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सपा और कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट भवन का मुख्य द्वार बंद कर बाहर सड़क पर सपाइयों ने धरना दिया जो जारी था। समाजवादी पार्टी के धरने में पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, गोपालपुर से विधायक नफीस अहमद, अतरौलिया विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, निजामाबाद विधायक आलमबदी, जिलाध्यक्ष हवलदार यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार को घटना का जिम्मेदार ठहराया। वहीं कलेक्ट्रेट भवन के सामने सड़क पर कांग्रेसी बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि घटना के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और केंद्रीय राज्य मंत्री इस्तीफा दें। कांग्रेस और सपा सहित कई पार्टियों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए एसडीएम सदर वागीश कुमार शुक्ला और शहर कोतवाली प्रभारी के गुप्ता के नेतृत्व में सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। देखिए, अभी किसान आंदोलित है लगभग 10 महीने से। लखीमपुर खीरी में चार पांच किसानों के ऊपर भाजपा नेता के बेटे के द्वारा गाड़ी चढ़ा दी जाती है, वो मर जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, एक तरह से हत्या कर दी जाती है। लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल को किसी भी पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा होना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम लोगों की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जो हम लोगों की प्रभारी भी हैं, वो रात में लखीमपुर मिलने जा रही थी। पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की, उनको गिरफ्तार किया, उनको अरेस्ट कर लिया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पीड़ा है, जहाँ जहाँ संघर्ष हो रहा है, जहाँ जहाँ समस्याएं हैं, वहाँ कांग्रेस पार्टी लगातार समय समय पर खड़ी होती रही है। और कांग्रेस पार्टी भी अपने समय जब उसकी सत्ता थी तो उसने लोकतंत्र का सम्मान किया, विपक्षी दलों ने आंदोलन किए उनके आंदोलन का सम्मान किया, लेकिन आज मोदी और योगी की सरकार लोकतंत्र का हनन कर रही है, संविधान खतरे में है। आज कांग्रेस पार्टी का आजमगढ़ जनपद का एक एक कार्यकर्ता इस तमसा तट के किनारे से, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोत की धरती से, ऋषि दुर्भाषा की धरती से ये चैलेंज करता है, ये संदेश देता है कि ए योगी मोदी, हम बार बार कहते हैं कि तुम रो सकते हो सदन में, तुम्हारे आंखों में आंसू आ सकते हैं, लेकिन आजमगढ़ की सरजमी में जो तेज जो ओज दिया है, जो यहाँ के नसों में खून बह रहा है, ये रोने वाला नहीं है, इनकलाब पैदा करने वाला है, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा। क्या मांग है? हमारी मांग है कि किसानों की मांग पूरी की जाए और प्रियंका गांधी जी को तत्काल रिहा किया जाए। जब तक किसानों की मांग नहीं पूरी हो जाती, समय समय पर लगातार हम संघर्ष करते हैं। और जो गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप लगा, उसको क्या करना? बिल्कुल, उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए, मंत्री को बर्खास्त किया जाए। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप आजमगढ़ जनपद में देख लीजिए, शर्म आता है कि जिस आजमगढ़ जनपद में हम लोग छात्र राजनीति की शुरुआत किए, जब लोग अपने भविष्य के लिए अपना फार्म भरते, आवेदन भरते थे कि हमें नौकरी मिल जाए, हमको रोजगार मिल जाए, तब हम छात्र हितों के लिए संघर्ष कर रहे थे। समय समय पर आजमगढ़ जनपद के कोने कोने लोगों के हितों की लड़ाई अपनी क्षमता अनुसार लड़ा गया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके दम पर प्रदेश और देश की सत्ता है, वो लोग फोटो सेशन कर रहे हैं, वो लोग मजाक कर रहे हैं। बाढ़ आने के पहले क्या तैयारी होनी चाहिए, उस पर मीटिंग कर रहे हैं, उनकी हैसियत की बात नहीं है। व्हाट्सएप पर लोग कमिश्नर से चैट को पब्लिक प्लेस पर, उसको पब्लिक डोमेन में लेकर कह रहे हैं कि हमने काम कर दिया है। मुझे शर्म आती है कि लोकतंत्र खतरे में है। नेता अपने कर्तव्यों को भूल चुका है, उसके राजनीतिक तौर तरीके उसको भूल चुका है, वो अधिकारियों के चरण चादुका में चाटुकारी में पड़ा हुआ है। आजमगढ़ जनपद कांग्रेस पार्टी के लोग ये शपथ, ये संकल्प लेते हैं कि इस रवैये को, इस तरीके को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। गुमशुदा की तलाश। नाम आयुषी सिंह उर्फ कुमकुम, पिता का नाम विनय सिंह। हुलिया लगभग 17 वर्ष, गोरा रंग, कद लगभग 5 फीट 5 इंच। पहनावा पीले रंग की कुर्ती, काले रंग की लेगी और सफेद रंग का दुपट्टा। दाहिने हाथ में भूरे रंग का पर्स था। उपरोक्त लड़की दिनांक 11 सितंबर 2021 दिन शनिवार को लगभग 11 बजे माधव सिंह बाजार में देखी गई थी, जो अभी तक घर वापस नहीं आई। तमाम खोजबीन के बाद अभी तक कोई पता नहीं चल सका। उपरोक्त लड़की के बारे में सूचना मिलने पर इस पते पर संपर्क करें। पता है
ग्राम लक्ष्मणिया औराई जिला भदोही और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। सूचना देने पर 50,000 का इनाम दिया जाएगा। जैसे भी इनका पता चले जल्द से जल्द हमें संपर्क करें।